कैसे हो आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ मैं। अच्छा सोचो, पुष्पा नहीं होती, अल्लू अर्जुन नहीं होता, पुष्पा राज नहीं होती, तो ये थिएटर वाले अभी क्या कर रहे होते? कसम से दो ही काम कर रहे होते, या तो फिर मक्खियाँ मार रहे होते थिएटर बंद करके, या फिर अक्षय कुमार को फोन कर रहे होते, अक्की पाजी को फोन कर रहे होते और वहां पर रो रहे होते। प्लीज अक्की पाजी, प्लीज एक मूवी रिलीज करा दो ना, बच्चन पांडे रिलीज करवा दो ना, बच्चे भूखे मर रहे, थोड़ा पॉपकॉर्न बिक जाएगा, वड़ा पाव बिक जाएगा, वड़ा बिक जाएगा तो हमारा घर खर्चा चलेगा, यही कर रहे होते। एक पुष्पा जो कि मतलब यार 50 दिन पहले रिलीज हुई थी, अभी भी वो लोग पुष्पा को चला रहे, एंड चला रहे इसलिए नहीं चला रहे कि मतलब बेकार में चला रहे, ऑडियंस अभी भी आ रही है एंड पुष्पा को एंजॉय कर रही है थिएटर में। क्या क्रेज है यार पुष्पा का, जबरदस्त, एकदम माइंड ब्लोइंग। अच्छा एक और चीज़ है, पुष्पा ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 365 करोड़ कर लिया, 365 करोड़, एंड अगर ये अगर नॉर्मल टाइम में रिलीज हुई होती, अगर कोई पेंडेमिक नहीं होता वगैरह, तो कसम से 500 करोड़ तो कहीं गया ही नहीं था। सीधे से सीधा इनको 150 करोड़ का लॉस हुआ है कोरोना की वजह से, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, सीधे के सीधा 150 करोड़ का लॉस, 500 करोड़ तो कहीं गया ही नहीं था अगर ये नॉर्मल डेज में रिलीज हुई होती तो। एनीवेज यार देखो, पुष्पा ने जो किया है वो तो बहुत ही जबरदस्त काम है भाई, पुष्पा ने जो किया है आउटस्टैंडिंग यार, 365 करोड़ हो गया एंड हिंदी में 100 करोड़ ले लिया, एंड क्या ही बोलो यार, मतलब एकदम गजब, सिर्फ हिंदी में 100 करोड़ प्लस, एंड 7 वीक के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अच्छा पुष्पा के मेकर्स ने इतनी सारी गलतियां की यार, इतने देखो प्रमोट नहीं किया, उसके बाद मूवी में इतनी सारी मिस्टेक्स भी हो गई, एंड ये लोग ने सबसे बड़ी गलती तो पता है कहां की, प्रमोट अपनी मूवी को प्रमोट नहीं किया, इसको छोड़ो उस तो बात की बात है, सबसे बड़ी गलती ये लोग ने ये की थी कि भाई अमेज़न प्राइम वाले को राइट्स दे दिया एंड ये लोग ने हिंदी में इतनी जल्दी रिलीज करा दिया यार OTT के ऊपर ये लोग ने। अगर ये OTT पर रिलीज नहीं होती तो इसका 7 वीक का जो 4 करोड़ का कलेक्शन है ना, ये 5-6-7 करोड़ भी आ सकता था, बिकॉज OTT पर रिलीज करा के भी ये लोग ने गलती की। बट ये जो सारी गलती है ना, ये लोग पुष्पा द रूल में नहीं करेंगे, एक बात आप लिख के रख लो, जम के प्रमोशन करेंगे एंड हर एक चीज करेंगे, उसका लेवल ही अलग होगा, हर एक चीज अलग होगी। अच्छा देखो, ये बॉलीवुड हो या फिर साउथ हो, जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी है, पुष्पा से उनको सीखना चाहिए। एंड भाई प्लीज यार प्लीज, अच्छा मेरे को बहुत लोग मैसेज करके बोल रहे थे वाली माई का, अजीत सर की एक अलग ही लेवल है, अजीत सर का अलग लेवल है, चलेगी, प्रमोट नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी अजीत सर प्रमोट नहीं करते। भाई साउथ के अंदर अजीत सर का जो क्रेज है आउटस्टैंडिंग, आज ही रात में मूवी रिलीज करा दोगे ना तो सुबह लोगों को पता चलेगा तो लोग भाग के थिएटर में देखने के लिए जाएंगे, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। बट हिंदी में अजीत सर हो या फिर अल्लू अर्जुन सर भी हो, रॉकी भाई भी हो, देखो ना KGF Chapter 2 का प्रमोशन करेंगे ना ये लोग, RRR का प्रमोशन किया ना हिंदी में प्रमोशन करने की जरूरत होती है ना, आपको प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ पर साला सलमान खान भी प्रमोट करता है कपिल शर्मा में जाकर, तो भाई अल्लू अर्जुन सर आएंगे, फिर अजीत कुमार सर हो या फिर आप कोई भी हो, या फिर विक्रांत रोना आएगी हिचा सुदीप सर की, इनको अपनी मूवी को प्रमोट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई पुष्पा चल गई विदाउट प्रमोशन तो हर मूवी चल जाएगी, नहीं, हर मूवी नहीं चलेगी यार, हर मूवी में अल्लू अर्जुन नहीं होगा, एक बात आपको लिख के रखनी पड़ेगी। हाँ आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप एक चीज़ देख सकते, एक चीज़ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देगी पुष्पा, भले ही पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बट अगर हमारा कंटेंट अच्छा हुआ तो लोग थिएटर में जाएंगे, बट वो तब जाएंगे जब लोगों को पता होगा एक मूवी आ रही है जिसका नाम है वाली माई, एक मूवी आ रही है जिसका नाम है विक्रांत रोना। जिस तरह से लोगों को पुष्पा के बारे में पता था कि भाई अल्लू अर्जुन की पुष्पा हिंदी में आ रही है, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए। एनीवेज यार पुष्पा ने जो किया है मतलब आउटस्टैंडिंग यार, हिंदी में 100 करोड़ प्लस कर दिया, वर्ल्ड वाइड 365 करोड़ कर दिया एंड 7 वीक के अंदर 4 करोड़ प्लस कर दिया, मतलब एकदम मजा आ गया। सो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।